नरवाना में एक बहू ने अपनी सास की पीट पीट कर हत्या कर दी। घर में सास और बहू दोनों ही रहती थी और दोनों की किसी बात को लेकर तकरार हो गई, जिससे खार खाई बहू ने रात को सास के सिर पर ताबड़तोड़ हमले कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गई। जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुला मौके का मुआयना करवाया और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सुबह आज पुलिस को इत्तला मिली थी कि हरिनगर में गली नंबर 3 में एक अधेड़ उम्र की महिला का शव पाया गया है। पुलिस ने वहाँ पर पहुँच कर मौके का मुआयना किया तो देखा कि एक कमरे के अंदर काफ़ी सारा खून जमा है और लेडी को चोटें लगी हैं, खून की छींटे दीवारों पर भी थी। तो उसका पूरी जांच की गई और फिर उसके बाद वहाँ पर पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि ये करीब 50 साल की उम्र की लेडी है, जिनका नाम राजो देवी था और ये अपने पुत्र वधु के साथ इस घर में रहती थी। इनका बेटा मारुति में गुड़गांव में काम करता है, जो उसकी काम की वजह से वहीं बाहर रहता। तो दोनों ये इनकी बहू और सास इस गांव यहाँ पे नरवाना में नगर में रहते थे। तो इनकी जो डेथ है उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसके बाद से जो पुत्र वधु हैं वो मौके से गायब हैं, फ़ोन नंबर भी बंद आ रहा है। रात पड़ोसी से इसमें पूछताछ की गई है कि इनको कब आखिरी बार कब देखा गया है, तो उसके संबंध में कुछ सूत्र मिले हैं। हमने अलग अलग टीम भेज दी हैं इसकी तलाश के लिए, लोगों की तलाश के लिए, और इसकी लोकेशन वगैरह ली जा रही है। इसके अलावा जो FSL की टीम है उसको मौके पर बुलाया गया और उसको जो सीन ऑफ क्राइम को पूरा इन्वेस्टिगेट किया है मेरे द्वारा भी और FSL की टीम के द्वारा। तो उसमें ये बातें सामने आई हैं कि मौके को जो घटनास्थल है उसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। खून के धब्बों को मिटाया गया है, धोया गया है, धोने की कोशिश की गई है और जो लेडी है उसके सर पे आगे की तरफ और पीछे की तरफ कई बार सारे बार किए गए हैं। उसके अलावा जो रिब केज है, रिब केज पे पसलियाँ भी टूटी हुई पाई गई हैं अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी मौके पे सारी जो कार्रवाई कंप्लीट करा के उसके बाद मुकदमा दर्ज करेंगे। मुकदमा दर्ज करने के बाद इनका पोस्टमार्टम करा के विधिवत संस्कार के लिए बॉडी दे दी जाएगी। इसके साथ साथ हमने 2 टीमें जो पुत्र वधु हैं उनकी तलाश में अभी इलाके में भेजी हुई हैं।